हम लोग लिम्फ एडिनोपैथी के बारे में पढ़ेंगे। इनलार्जमेंट ऑफ एजर सर, इसमें इको सुनाई दे रहा है आवाज। हेलो हेलो, यस सर, इको आ रहा है। एडिनोपैथी के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ एडिनोपैथी किसको कहते हैं? इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड इज नोन एज लिम्फ एडिनोपैथी। जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाए या बगैर इल्तिहाबी कैफियत के जब वो अपने तबीयी जसामत से बढ़ जाए तो उसको लिम्फ एडिनोपैथी कहते हैं। अब मेरी आवाज जा रही है ठीक से? यस सर, आ रही है। इको तो नहीं महसूस हो रहा है? नहीं सर। हाँ ठीक है। बगैर इल्तिहाब या इल्तिहाब के साथ जो गुददे लिम्फाविया हैं, लिम्फ नोड्स हैं, अगर उनकी जसामत बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है, इसके मुतअद्दिद असबाब हैं, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। जब लिम्फ नोड बढ़े हुए हों तो इम्तिहान के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान किन किन नुकात और किन किन पॉइंट्स को देखना चाहिए उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको जानना और उसको समझना बहुत जरूरी है। लिम्फ नोड के इम्तिहान के दौरान किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम लोग लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन करेंगे? साइट, मकाम, यानी किस मकाम का लिम्फ नोड बड़ा है वो भी देखना चाहिए। ठीक है, साइज, लिम्फ नोड के साइज को भी देखते हैं। नंबर, लिम्फ नोड के की तादाद को देखते हैं, एक बढ़ा हुआ है या एक से जायद लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं। साइट, साइज, नंबर और उसकी कंसिस्टेंसी को भी देखते हैं कि लिम्फ नोड जो है सॉफ्ट है, फर्म है या रबरी है या हार्ड है, कंसिस्टेंसी को भी देखते हैं। इसलिए कि मुख्तलिफ अमराज में लिम्फ नोड की कंसिस्टेंसी जो है मुख्तलिफ हुआ करती है। फिर पालपेट करने पे उसमें दर्द होता है या नहीं होता है इसको भी देखना है। टेंडरनेस, टेंडरनेस देखेंगे कि जो पालपेट कर रहे हैं लिम्फ नोड को उसमें छूने पे दर्द होता है या नहीं होता है, लिम्फ नोड टेंडर है या नॉन टेंडर है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि लिम्फ नोड डिस्क्रीट है या मैटेड है। जो लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं वो मुंतशिर है या एक दूसरे से मिले जुले हुए, मुद्गम है, गुत्थम गुत्था है, मैटेड। तो मुख्तलिफ नौयत के एतबार से मुख्तलिफ अमराज की तशखीस होती है।
फिर ये भी देखते हैं कि लिम्फ नोड जो है मोबाइल है या इमोबाइल है, फिक्सेशन को देखते हैं, जो जिल जो स्किन उसके ऊपर पाई जा रही है या जो नीचे की साखते हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं लिम्फ नोड उससे चिपका हुआ है या फ्रीली मूवेबल है, ये सब भी देखना चाहिए। लिम्फ नोड के ऊपर जो स्किन पाई जाती है जो जिल्द है उसका भी मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कि जिल्द में स्किन में साइनस तो नहीं है, अल्सर तो नहीं है या साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन तो नहीं मिल रही है। इन तमाम पॉइंट्स को लिम्फ नोड के एग्जामिनेशन के दौरान देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर सर्वाइकल लिम्फ नोड का हमें एग्जामिनेशन करना है, जो गर्दन के उनुक के गोदद लिम्फाविया हैं उनका इम्तिहान करना है। उसमें क्या क्या देखेंगे या कैसे उसका एग्जामिनेशन करेंगे? मरीज के पीछे जो तबीब होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो मरीज के पीछे खड़ा होता है और मरीज की गर्दन को हल्का सा फ्लेक्स कर देता है, ठीक है, हल्का सा फ्लेक्स करके फिर जो लिम्फ नोड्स हैं उसका इम्तिहान किया जाता है। जो गर्दन में जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लिम्फ नोड के दो चेन पाए जाते हैं गर्दन में, एक सर्कुलर होता है और दूसरा जो है वर्टिकल पाया जाता है, ठीक है। सर्कुलर और वर्टिकल दो तरह के लिम्फ नोड्स सर्वाइकल रीजन में पाए जाते हैं। वर्टिकल ग्रुप्स के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एस्टर्नोक्लाइडो मास्टोइड मसल्स के पैरेलल में पाए जाते हैं। ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनाइटिस की सूरत में क्या होता है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और आपस में मैटेड होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, मुद्गम होते हैं। उसके लिए कौन सी इस्तेलाब बोली जाती है? मैटेड। अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड मैटेड हो, इसका मतलब है मरीज जो है किस मर्ज में मुबतला है, ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनाइटिस में, दिख के नतीजे में, टीबी के नतीजे में उसकी गर्दन की जो है लिम्फ नोड्स बढ़ गए हैं। इसके अलावा ये तो वर्टिकल की बात हुई, गर्दन में दूसरी जो लिम्फ नोड के ग्रुप्स पाए जाते हैं वो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर चेन में पाए जाते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। और ये सब किस वक्त बढ़ जाते हैं? जब सर की जिल्द में या गर्दन में कोई तादिया पैदा हो जाए, तो इस सूरत में ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड अगर बढ़ा हुआ मिले,
तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत ही अहम होता है। इससे भी दो तरह के मर्ज की तशखीस होती है, जब टेस्टिकुलर कार्सिनोमा या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का मेटास्टेसिस होता है, यानी जब सरतान फैल जाता है, सरतान का इंतशार होता है, तो इस कंडीशन में सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? विर्चुज नोड। इसके लिए क्या कहा जाता है? विर्चुज नोड, या इसको विर्चु साइन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इससे सरतानी मैदा या गैस्ट्रिक कैंसर की तशखीस हो जाती है। लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड का बढ़ा हुआ पाया जाना किस बात की दलील है? कि मरीज जो है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या टेस्टिकुलर कार्सिनोमा सरतान खुशियतन में मुब्तला है। सर्वाइकल लिम्फ नोड को कैसे एग्जामिन करते हैं? मरीज के पीछे खड़े होकर मरीज के गर्दन को थोड़ा सा फ्लेक्स कर देते हैं और इस तरह से वर्टिकल और सर्कुलर लिम्फ नोड को पाल्पेट करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट लिम्फ नोड को जो हम लोग पाल्पेट करते हैं वो क्या है? एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो दोनों एक्सिला हैं बगल में, हाथ के बगल में, यानी ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा एक्सिलरी रीजन में, दोनों तरफ से उंगली को बगल में दाखिल करते हैं और हाथ को थोड़ा सा उठा देते हैं, एब्डक्शन ऐसे थोड़ा सा मरीज को कर देंगे और दोनों तरफ के एक्सिला में उंगली दाखिल करके मरीज के एक्सिलरी लिम्फ नोड को पाल्पेट करते हैं। और जो पॉइंट्स हमने बताया है, साइट, साइज, नंबर, कंसिस्टेंसी, स्किन कंडीशन, फिक्सेशन, उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड को एपिकल, एंटेरियर, पोस्टेरियर और लेटरल एस्पेक्ट पे एक्सिला में हर तरफ से महसूस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड, इसको भी मीडियल एस्पेक्ट पे बाइसेप और ब्रेकियलिस मसल्स जो है उसके ग्रूव के बीच में महसूस करते हैं, वहां पे पाल्पेट करते हैं। इंग्वाइनल लिम्फ नोड को भी पाल्पेट करके देखते हैं। इसके लिए मरीज को क्या करते हैं? सुपाइन पोजीशन में मरीज को लेटा देते हैं और उसके पैरों को फैला देते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिम्फ नोड्स के जो ग्रुप्स पाए जाते हैं उसको छू करके महसूस करते हैं, देखते हैं कि वो बड़ा हुआ है, टेंडर है या नहीं है। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं ये किस कंडीशन में बढ़े हुए होते हैं? फाइलेरिया की कंडीशन में। अगर फाइलेरिया का मरीज है उसका इंग्वाइनल लिम्फ नोड बढ़ा हुआ होगा और टेंडर होगा, उसको जब पाल्पेट करेंगे, उसको छू कर महसूस करते हैं तो उसमें दर्द होता है। इस तरह से जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मकामात के लिम्फ नोड्स को
पालपेट करके देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे अमराज की तशखीस होती है, डायग्नोसिस में मदद मिलती है। लिम्फ नोड को देख करके इंस्पेक्शन और पाल्पेशन के जरिए से मुख्तलिफ अमराज की डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने देखा सर्वाइकल लिम्फ नोड को, सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर बढ़े हुए हैं और मैटेड है तो इसका मतलब मरीज ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनाइटिस में मुबतला है। इसी तरह से अगर एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं तो यह किस कंडीशन में होता है? सेकेंडरी सिफिलिस में, सेकेंडरी सिफिलिस में एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स बढ़े हुए होते हैं। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स अगर बढ़े हुए हैं तो ये फाइलेरिया की दलील है। फाइलेरिया में इंग्वाइनल लिम्फ नोड बढ़े हुए और टेंडर होते हैं। इसी तरह से एस्केलेन नोड्स को भी पाल्पेट करते हैं। एस्केलेन नोड कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टर्नोमास्टॉइड मसल और स्टर्नोमास्टॉइड मसल के बिहाइंड में पाया जाता है और ये मैलेग्नेंसी वगैरह में बढ़ा हुआ होता है और वहां से बायोप्सी वगैरह लेकर के मर्ज की तशखीस करते हैं। सर्वाइक इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना चाहिए? लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है या नहीं है? जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होते हैं वो ताबिया की सूरत में या इन्फेक्शन के नतीजे में बढ़ जाते हैं, इसलिए मुख्तलिफ मकामात के लिम्फ नोड को इम्तिहान बिन नजर में देखना चाहिए और उसके जरिए से मर्ज की तशखीस करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड अगर बढ़े हुए हैं तो ये किस बात की दलील है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कि मरीज जो है सरताने मैदा में मुबतला है या टेस्टिकुलर कैंसर है। सेकेंडरी सिफिलिस में एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स बढ़े हुए होते हैं और फाइलेरिया में इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इंस्पेक्शन में जो लिम्फ नोड्स के ऊपर जो जिल्द या स्किन पाई जाती है उसकी कंडीशन को भी देखते हैं, कहीं उसमें अल्सर तो नहीं है, ठीक है। साइनस को देखते हैं, अल्सरेशन को देखते हैं और बायोप्सी वगैरह भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लिम्फ नोड से बायोप्सी लिया गया हो जिसके निशान मौजूद हैं। फिर पाल्पेट करके देखते हैं। पाल्पेशन में दो चीजें देखी जाती हैं, एक रेज टेम्परेचर, एक दूसरी टेंडरनेस। जिस लिम्फ नोड को हम पाल्पेट कर रहे हैं उसका दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है या नहीं है। अगर उस मकाम पे गर्मी का एहसास हो रहा है तो इसका मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन है। इसका मतलब क्या हुआ है? मरीज एक्यूट इन्फ्लामेशन में मुबतला है, क्योंकि इन्फ्लामेशन की एक साइन क्या है? जो चार चीजें पाई जाती हैं इन्फ्लामेशन में, टेम्परेचर का बढ़ा होना। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में मकामी तौर पर जो गुदादे लिम्फाविया या लिम्फ नोड्स हैं उसकी हरारत बढ़ी हुई होती है और जब छूने पे दर्द महसूस होता है इसका मतलब लिम्फ नोड जो है टेंडर है। ये भी मुख्तलिफ अमराज
में टेंडर या नॉन टेंडर मिला करते हैं। टेंडरनेस से एक तो ये साबित होती है कि मरीज जो है एक्यूट कंडीशन में मुबतला है, दूसरी बाज अमराज में नॉन टेंडर भी मिला करते हैं। इसी तरह से उसकी सरफेस को देखते हैं, नॉर्मली जो है लिम्फ नोड स्मूथ होता है, लेकिन मुख्तलिफ अमराज में उसकी सरफेस या तो मैटेड होगी या इररेगुलर होगी। मैटेड टीबी में, और अगर इररेगुलर है तो वो कार्सिनोमा वगैरह में इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। कंसिस्टेंसी उसको छू करके महसूस करते हैं। नॉर्मली जो है लिम्फ नोड की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, फर्म होती है, ये ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और ना बहुत ज्यादा सख्त होती है, बल्कि एक बीच की जो कैफियत होती है उसको क्या कहते हैं, फर्म, यानी हल्का सा सख्त होता है। लेकिन हॉजकिंस डिजीज में लिम्फ नोड की कैफियत कैसी हो जाती है, वो रबरी हो जाती है, सॉफ्ट रबरी, यानी नरम होता है और ऐसा लगता है कि रबर जैसा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रबरी। तो कंसिस्टेंसी के जरिए से अगर इस तरह की कैफियत मिलेगी तो इसका मतलब मरीज जो है हॉजकिंस डिजीज में मुबतला है। फर्म और शॉर्टी लिम्फ नोड किस में मिला करता है, सिफिलिस में। लिम्फ नोड की मोबिलिटी को भी देखते हैं कि वो जब सरतान या कैंसर की सूरत में लिम्फ नोड को पालपेट करते हैं तो वो ऊपर की जिल्द और अपने नीचे की साख्तों से चिपकी हुई होती है, फिक्स होती है। इस तरह से मुख्तलिफ नौयत और मुख्तलिफ कैफियत को महसूस करके मुख्तलिफ अमराज की तशखीस लिम्फ नोड के एग्जामिनेशन के जरिए से मुमकिन है। अब हम लोग उन असबाब को जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या असबाब हैं जिनके बुनियाद पर लिम्फ नोड के अंदर इस तरह की तब्दीली आया करती है, इस तरह की मुख्तलिफ तब्दीलियां पाई जाती हैं। अज्म गुदा लिम्फाविया के मुख्तलिफ असबाब हैं, जिसमें कुछ असबाब का ताल्लुक इंफ्लामेशन से है और कुछ का ताल्लुक न्यूप्लाज्म से है, कुछ का ताल्लुक दमवी ताबिया से है, हिमेटोलॉजिकल है, और कुछ जो होती है वो इम्यूनोलॉजिकल काजेज हुआ करते हैं। इस तरह से मुतद्दिद असबाब की बुनियाद पर लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। इंफ्लामेटरी काजेज दो तरह के हुआ करते हैं, एक्यूट इंफ्लामेशन और क्रोनिक इंफ्लामेशन। एक्यूट इंफ्लामेशन मतलब जैसे टॉन्सिलाइटिस है, वर्मेलोजिटाइन, क्रोनिक सेप्टिक, ट्यूबरकुलर, सिफिलिस, फाइलेरिया या फिर HIV वगैरह में जो लिम्फ नोड बढ़ते हैं उसके क्रोनिक इंफ्लामेटरी कंडीशन के नतीजे में बढ़ जाया करते हैं। न्यूप्लास्टिक काजेज में भी मुख्तलिफ काजेज हैं, जैसे प्राइमरी लिम्फोमा, प्राइमरी लिम्फोसार्कोमा, लिम्फो ग्रेनुलोमा इंग्वेनेल, इस तरह से मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर लिम्फ नोड बढ़ जाया करते हैं। दमवी असबाब की बात करें, हिमेटोलॉजिकल काजेज की बात करें,
इसमें हॉजकिंस डिजीज, नॉन हॉजकिंस डिजीज और क्रोनिक लिम्फेटिक लिपेमिया, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो सरतान है, सरतानी कैफियत है, कैंसरस कंडीशंस हैं, वो खून के जरिए फैल करके लिम्फ नोड को भी मुतासिर कर देते हैं। इम्यूनोलॉजिकल असबाब की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एराइथेमेटोसस SLE, ये वो अमराज हैं या मुख्तलिफ किस्म के दवाओं के रद्द अमल के नतीजे में भी इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है, ड्रग रिएक्शन वगैरह में भी इस तरह की तब्दीलियां आ जाया करती हैं। इसके अलावा बाज जो है उमूमी असबाब है, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी के असबाब क्या क्या हैं, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, HIV, हॉजकिंस लिम्फोमा, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, ब्रुसिलोसिस, टॉक्सोप्लास्मोसिस, सेकेंडरी सिफिलिस, ये मुतअद्दिद असबाब हैं जिनमें लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, जिनमें क्या होते हैं, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। लिम्फ नोड की कंसिस्टेंसी को देख करके भी मुख्तलिफ अमराज की तशखीस मुमकिन है। लिम्फोमा में किस तरह कंसिस्टेंसी होती है, रबरी। टीबी में फर्म और मैटेड, और जब कोल्ड एब्सेस वगैरह हो जाता है तो उसमें सॉफ्ट और सिस्टिक कंसिस्टेंसी लिम्फ नोड के होते हैं, और अगर बहुत सख्त हो, स्टोनी हार्ड हो लिम्फ नोड, तो ये कैल्सिफाइड लिम्फ नोड की सूरत में लिम्फ नोड की कंसिस्टेंसी के अंदर इस तरह की तब्दीली आती है। हार्ड और क्रैगी अगर लिम्फ नोड मिल रहा है, क्रैगी मतलब चट्टान जैसा सख्त, ये मैलिग्नेंट कंडीशन में लिम्फ नोड की कंसिस्टेंसी के अंदर ये कैफियत पाई जाती है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, शाहिद, समझ में आ गया? नूर आलम, नूर आलम, यस राम सर, जी सर, इससे समझ में आ गया? यस सर। कुछ पूछना सुना दिया? नो सर।